धरती पर जीव जंतुओं की तमाम प्रजातियां पाई जाती हैं और जिस तरह से सभी जानवर किसी न किसी मामले में एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक वैसे ही इनके अंडे भी होते हैं। कुछ जानवरों के अंडे तो इतने अनोखे होते हैं कि शायद ही आपने उन्हें पहले कभी देखा होगा। वहीं कुछ एनिमल्स के अंडे हरे और नीले रंग के भी होते हैं। इसी के चलते आज हम आपको दुनिया के सबसे अनोखे अंडों के बारे में बताने जा रहे हैं। शार्क एग्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि शार्क महासागरों में रहने वाला एक विशालकाय जीव है, लेकिन क्या आप शार्क के अंडे के बारे में जानते हैं? आप सोच रहे होंगे कि भला शार्क भी अंडे देती है, तो आपको बता दें कि शार्क की 70% प्रजातियां बच्चों को जन्म देने में सक्षम होती हैं, वहीं 30% प्रजाति ऐसी है जो अंडे देते हैं। अंडों की बात करें तो इनकी बनावट कुछ अलग होती है, ये काफी अनोखे होते हैं, इसलिए इन्हें मरमेड पर्सेस भी कहते हैं। इनकी बाहरी लेयर काफी मजबूत और पीले रंग की होती है। अगर आप इन अंडों को गौर से देखेंगे तो इनके अंदर पनप रहे शार्क के नवजातों को भी देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडे देने के बाद शार्क इन अंडों को छोड़कर चली जाती है और पलट कर भी नहीं देखती। बताते हैं कि करीब 7 से 12 महीने के बाद इन अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं, लेकिन उसे अपनी माँ नहीं दिखाई देती। ऐसे में बच्चों को अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती है। शार्क के बच्चे को कभी भी माँ का प्यार नहीं मिलता। कई बार ऐसा देखा गया है जब ये अंडे तैरते हुए समुद्र किनारे आ जाते हैं। दोस्तों, क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि एक शार्क के अंडे का साइज कितना होता होगा? अगर नहीं तो दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इन अंडों का आकार लगभग 14 इंच होता है। सी हॉर्स एग्स। सी हॉर्सेस एक समुद्री जीव है जो अपने अनोखे रंग रूप की वजह से जाना जाता है। दुनिया भर में इनकी 47 प्रजातियां मौजूद हैं। इनके अंडों के प्रोसेस के बारे में सुनकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। दरअसल नर और मादा दोनों मिलकर अंडों की देखभाल करते हैं। नर के शरीर में आगे की तरफ एक थैलीनुमा आकृति होती है जिसे बर्थिंग पाउच कहते हैं। जब मादा अंडे देती है तो नर इसी बर्थिंग पाउच में इन अंडों को संभाल कर रख लेता है। एक मादा सी हॉर्स एक बार में लगभग 1500 अंडे देने में सक्षम होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1500 अंडे। और इतने सारे अंडों को नर सी हॉर्स अपने पाउच में करीब 10 से 45 दिनों तक रखता है। जब इन अंडों का समय पूरा हो जाता है और ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तब नर सी हॉर्स इन बच्चों को पाउच से बाहर की ओर निकाल देता है। देखने में ये नजारा काफी अनोखा होता है। सुरिनेम टोड एग्स। सूखे पत्ते की तरह दिखाई देने वाला सुरिनेम टोड मेंढक की एक खास प्रजाति है। ये मेंढक बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुनिया, कुआना, पेरू, सुरिनेम और वेनेजुएला में पाए जाते हैं। शायद ही आपने पहले कभी इसका नाम सुना होगा। ये मेंढक नॉर्मल मेंढकों के मुकाबले काफी अलग किस्म के होते हैं। ये मेंढक मोटे नहीं बल्कि फ्लैट यानी चपटी शेप के होते हैं। इनका आकार 10 से 13 सेंटीमीटर तक होता है। ये मेंढक आपको जितने अजीब लग रहे हैं उतना ही वियर्ड इनका रिप्रोडक्शन मेथड होता है। ये मेंढक अपने अंडों को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में तब तक संभाल कर रखते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाते हैं। आपको बता दें कि एक मादा सुरिनेम एक बार में करीब 100 अंडे दे सकती है। अंडे देने के बाद नर इन अंडों को मादा मेंढक की पीठ पर इस तरह चिपका देता है कि ये नीचे ना गिरे। फिर कुछ समय बाद मादा मेंढक की त्वचा इन अंडों को ऑटोमेटिक कवरअप करने लगती है। इस तरह अंडे धीरे धीरे मादा की इसी स्किन में सेट हो जाते हैं। करीब 3 से 4 महीने तक ये अंडे मादा की स्किन के भीतर चिपके रहते हैं। जब ये अंडे पूरी तरह से विकसित होने लगते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे मादा मेंढक की त्वचा को फाड़ कर बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस के बाद मादा मेंढक की त्वचा खराब हो जाती है, लेकिन बाद में दोबारा नई त्वचा आने लगती है। साउदर्न कैसोवेरी एग्स। कैसोवेरी एक ऐसा पक्षी है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। इनके अंडों की अगर बात करें तो एक मादा कैसोवेरी एक बार में 3 से 6 अंडे देती है। कैसोवेरी के अंडे सफेद या भूरे रंग के नहीं बल्कि हरे रंग के होते हैं। डार्क ग्रीन कलर होने की वजह से इसके अंडे काफी आकर्षक होते हैं। इनके अंडों के वजन और आकार की अगर बात करें तो कैसोवेरी के अंडे काफी बड़े होते हैं, जिनका साइज 13 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जबकि अंडों का वजन करीब 650 ग्राम तक हो सकता है। कैसोवेरी के अंडे शुतुरमुर्ग से कुछ छोटे होते हैं।
बताते हैं कि अंडे देने के बाद कैसेवेरी काफी एग्रेसिव हो जाती है। शिकारियों से अंडों की रक्षा करते वक्त ये पक्षी काफी आक्रामक नजर आती है। जब इन अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं तो पूरे 9 महीने तक ये पक्षी अपने बच्चों की सही से देखभाल करती है। आपको बता दें कि कैसेवेरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। विश्व में इस पक्षी की 3 प्रजातियां हैं जो न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्सों में पाई जाती हैं। हॉर्न शार्क एग्स। अजीब से दिखने वाली इस शार्क का अंडा देखकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। अटपटी सी शेप होने की वजह से इस शार्क के अंडे को पहचानना काफी मुश्किल है। अंडा देने के बाद ये शार्क उसे समुद्र में कहीं छिपा कर रख देती है ताकि कोई शिकारी जानवर उसे अपना निवाला न बना सके। अंडे को छिपाने के बाद शार्क वहां से चली जाती है और बच्चे के बाहर आने तक का वेट भी नहीं करती है। भले ही देखने पर यह किसी अंडे की तरह नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों इसी अंडे से हॉर्न शार्क का बच्चा बाहर कदम रखता है। बाहर आने पर शार्क के बच्चे की देखभाल उसे खुद करनी पड़ती है। हॉर्न शार्क ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से सेंट्रल कैलिफोर्निया और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के महासागरों में निवास करती है। स्नेल एग्स। अब बात करते हैं स्नेल एग्स की, जिसे घोंघा भी कहा जाता है। धरती पर इसकी 40,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने इनके अंडे देखे हैं कि वो कैसे होते हैं? स्नेल की अधिकतर प्रजातियों में नर और मादा दोनों में रिप्रोडक्शन सिस्टम मौजूद होता है। महज 1 साल बाद स्नेल रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से सक्षम होता है। समुन्द्र में पाए जाने वाले स्नेल्स किसी चट्टान पर आकर अंडे दे देती हैं। वहीं जमीन पर रहने वाले स्नेल्स नमी वाले इलाकों में अंडे देना ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार में कोई स्नेल्स कितने अंडे देता है, दोस्तों ये बात स्नेल की प्रजाति पर डिपेंड करती है। जहां एक प्रजाति का स्नेल 10 से 12 अंडे दे सकता है, वहीं एक अन्य प्रजाति एक बार में करीब 600 अंडे देने में सक्षम होती है। बताते हैं कि 2 से 4 हफ्तों बाद ही इन अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। इन अंडों के आकार की अगर बात करें तो ये काफी छोटे छोटे होते हैं। इनका साइज 3 से 6 मिलीमीटर तक हो सकता है। आपको बता दें कि स्नेल पूरे 3 माह तक अपने बच्चों का ख्याल रखती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश भूमि घोंघे 2 या 3 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जंगल में घोंघे की बड़ी प्रजातियां 10 साल तक जिंदा रह सकती हैं। रॉबिन सेक्स। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऑरेंज और ग्रे ब्राउन कलर की इस खूबसूरत चिड़िया के अंडे का रंग कैसा हो सकता है? रॉबिन नाम की इस चिड़िया के अंडे नीले रंग के होते हैं, जो अपने आप में काफी अनोखे हैं। एक मादा रॉबिन 4 से 5 दिन तक अंडे देती है और ये 1 दिन में 1 अंडा देती है। इस चिड़िया के साइज के हिसाब से इसके अंडे काफी बड़े होते हैं, क्योंकि आकार में ये चिड़िया 12 से 14 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसके अंडे का साइज 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। बताते हैं कि लगभग 12 से 16 दिनों तक इन अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। रॉबिन जिस क्रम में अंडे देती है, उसी क्रम में इन अंडों से बच्चे भी बाहर आते हैं। येलो हेडेड जॉफिश एग्स। पीले रंग के सिर वाली ये मछली कैरेबियन सी में रहती है। ये 3 से 40 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है। इस मछली का अंडा देने का तरीका काफी स्ट्रेंज होता है। ये एक बार में करीब 200 से 300 अंडे देने में सक्षम होती है। आपको सुनकर अचरज होगा कि जब ये मादा अंडे देती है तो उसके बाद नर मछली इन अंडों को अपने मुंह में कैरी करके तब तक रखता है जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलने लगते हैं। इस तरह मेल येलो हेडेड जॉफिश अपने मुंह में 200 से 300 अंडे लेकर रहता है। इस दौरान ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है। कमाल है, बच्चों के मामले में इस मछली का कोई जवाब नहीं है। हनीबीज एग्स। मधुमक्खियां मुख्य रूप से शहद बनाने के लिए जानी जाती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं और हर झुंड में एक रानी मक्खी होती है। ये रानी मक्खी ही अंडे देने का काम करती है। आपको बता दें कि जन्म लेने के महज 12 दिन बाद रानी मक्खी वयस्क हो जाती है। तब वो कई मेल हनीबीज के साथ मेटिंग करती है। इसके बाद रानी मधुमक्खी रोजाना लगभग 1,000 से 1,500 अंडे तक दे देती है। ये प्रोसेस करीब 2 साल तक बरकरार रहता है। मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए छत्तों के प्रत्येक छेद में 1 अंडा होता है, जिसमें बारी बारी से नन्ही मधुमक्खियां बाहर निकलती रहती हैं। क्लॉफिश एग्स। ये मछली देखने में जितनी सुंदर लगती है, उतना ही हैरतअंगेज इसका रिप्रोडक्शन मेथड होता है।
आपको बता दें कि सभी क्लोन फिश नर रूप में ही पैदा होती हैं और जरूरत के हिसाब से ये अपने आप फीमेल क्लोफिश का भेष धारण कर लेती हैं। दरअसल जब किसी समूह की मादा क्लोन फिश की मौत हो जाती है तब उस समूह का डोमिनेंट नर क्लाउन मादा क्लाउन में कन्वर्ट हो जाता है। एक मादा क्लाउन फिश 100 से 1000 अंडे दे सकती है। 8 से 10 दिन के बाद इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलने लगते हैं। इनके अंडे का आकार 3 से 4 मिलीमीटर तक होता है। तो दोस्तों ये थे प्रकृति में कुछ ऐसे जीव जिनके अंडे बेहद ही अनोखे और स्ट्रेंज हैं। दोस्तों आपको इनमें से सबसे अनोखा जीव और उसका अंडा कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिले या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।